बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से अपने विवादित बयान से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि हर हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस पर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी से जवाब मांगा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की जुबान फिर बेलगाम। उन्होंने कल से आज तक विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। कुछ बयान इतने आपत्तिजनक हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। सबसे बड़ा बवाल साक्षी के उस बयान पर मचा है जिसमें उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। इस पर विरोधियों ने सीधे सीधे पीएम मोदी को घेर लिया। तो नीति अपने आप बदल दी साक्षी महाराज साहब ने, या जो मंत्रालय उसे बदल दिए, तो देश के साथ तो शेयर करें कम से कम। क्या इस बार या अगले चुनाव में नीति होगी अब की बार 4 या मेक इन इंडिया +4? कब तक ये माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधेंगे? सभी संघ के नेताओं के लिए मैंडेटरी हो कि शादी करें और 5 बच्चे पैदा करें, फिर भारतीय समाज के अन हिंदू समाज के लोगों से निवेदन करें तो अच्छा रहेगा। चारों तरफ से घिरे साक्षी महाराज का मेरठ के संतों ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि साक्षी महाराज ने कहा था कि देश में संतों और महात्माओं की कमी हो गई है। उन्होंने 4 बच्चों वाला बयान इससे जोड़ कर दिया था। उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत यहाँ मौजूद थे। हमारे आदरणीय सांसद महामंडलेश्वर से साक्षी महाराज ने बयान दिया, उस बयान को तोड़ मरोड़ के विपक्षी पार्टी वाले उसको पेश कर रहे हैं। आज हमारे अखाड़ों की, हमारे धर्म गुरुओं की व्यवस्था हो गई है कि उन्हें महात्मा बनाने के लिए कोई बच्चा नहीं मिल रहा है। पिछली प्रथा थी कि 6 बच्चे बनाओ, 4 बच्चे बनाओ, 1 बच्चा आश्रम को दो। आश्रम में बढ़ोतरी होती थी संतों की, आने वाले समय में संतों का अभाव हो जाएगा। क्यों सिर्फ 4 पे क्यों रोक रखे हैं? 14 क्यों नहीं, 40 क्यों नहीं? यही काम है, खरगोश के जैसे हम पैदा करते रहेंगे। हाँ, ये महिलाओं को बता रहे हैं, कौन पालने वाला पुरुष है वो दिखाओ, बोलिए। वो देंगे क्या साक्षी महाराज? इनका शिक्षा के लिए, इनका सेहत के लिए, इनकी शादी के लिए, कल उनकी नौकरी के लिए साक्षी महाराज कोई गारंटी दे रहे हैं? बड़े अच्छे होते हैं ये लोग जो सलाह देते हैं, पैदा करके देखो बोलिए, फिर समझ में आएगी। एक तरफ बीजेपी सांसद ने विवाद खड़ा किया तो दूसरी तरफ केरल में साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च ने अपने समुदाय के हर परिवार से 5 बच्चे पैदा करने की अपील की है। उसने 5वां बच्चा पैदा करने वाले हर परिवार को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। चर्च ने नया नारा दिया है, बड़ा परिवार सुखी परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि साक्षी महाराज अपनी आदत से लाचार है। बीजेपी आला कमान ने उनकी कमान कई बार कसी लेकिन हर कोशिश ढाके 3 पात ही साबित हुई। साक्षी महाराज ने लालू प्रसाद के परिवार पर आज एक और विवादित बयान दे दिया। इस पर कल राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है।